तो आज हम लोग सादृश्यता का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हम लोगों ने शब्दों से और अक्षरों से संबंधित सवाल किए थे, आज हम लोग करेंगे संख्याओं से संबंधित सवाल। तो यहाँ पे संख्याएं दी रहेंगी, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं संख्याओं का वर्ग होगा, कहीं पे घन होगा, ये सब इसमें होता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं, तो इसको करते हैं। पहला सवाल जैसे यहाँ पे दिया है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। तो ये ऑप्शन जो दिए हैं उसी से हमें देख के बताना है। तो यहाँ 4 दिया है, 4 का संबंध किससे बोल रहा है, 10 से। तो क्या हुआ होगा कि 4 का 10 हुआ होगा, तो 4 में अगर हम लोग 6 प्लस कर दे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से 8 में अगर हम लोग 6 प्लस कर दे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितनी बार सवाल लगाएंगे उतनी जल्दी समझ में आ जाता है, दिख जाता है तुरंत। ये पहला हो गया, ये सबसे आसान था। अब दूसरा है, दूसरा दे रहा है, जिस प्रकार 64 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 289 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। तो उसी प्रकार 289 किसका वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 17। फिर तीसरा दिया है, जिस प्रकार से 11 का संबंध 1331 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। तो ये हमें पता है 11 का घन है 1331 है, तो 9 का घन क्या होगा, वो याद रहेगा तब बताएंगे, तो याद करना पड़ेगा। तो 9 का घन होता है 729। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 729। और यहाँ चौथा सवाल लिखा है, चौथा दिया है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ मल्टीप्लाई यानी वर्ग हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे 4 का, अगर 4 का वर्ग हम लोग करें तो 4 का वर्ग होता है 16, और 16 में फिर से 4 प्लस कर दे कितना बन जाएगा, 20। अब इसी तरह से हमें 6 में भी करना है, तो 6 का क्या कर दे, 6 का हम लोग क्या करें, वर्ग करें, तो क्या आएगा, 36 आएगा। और 36 में तो जिस संख्या का, जैसे 4 का वर्ग हुआ तो 4 प्लस भी हुआ, उसी तरह से यहाँ भी 6 का वर्ग हुआ तो 6 ही प्लस होगा। तो 6 को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42। तो ऑप्शन से देख के भी कर सकते, ऑप्शन देख के ही हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सोचते 36 तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है, जो पहले वाले में हो रहा होगा वही हमें दूसरे में भी कर देना है, बस इस तरह से देखना है। अब इसी तरह से यहाँ तीसरा दिया है, तीसरे में दिया है, जिस प्रकार से 8 का संबंध 63 से है, उसी तरह से 9 का संबंध किससे होगा। तो इसमें भी वर्ग हो रहा है और माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है ये करके दिखाते हैं। तो हमें पता है 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 64 में से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 63। तो अब बस इसमें भी वही करना है, हमें क्या करना है, 9 का पहले वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग होगा 81 में से 1 माइनस कर दे क्या आ जाएगा, 80। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 80। अब तीसरा, यहाँ पांचवा छठवा सवाल है, यहाँ दिया, जिस प्रकार से 100 का संबंध 10^2 से है, उसी तरह से 100,000 का संबंध किससे होगा। तो हमें ये यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जितने जीरो हैं उतनी घात लगी हुई है, उसी तरह से यहाँ पे जितने जीरो हैं 10^10 उतनी लगाएंगे, वही आंसर होगा। कितने जीरो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा आंसर, 10^5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे सवाल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल दिया है, -3/7 का संबंध 7/3 से है, तो 9/2 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे जब इस तरह, यहाँ पे माइनस है, माइनस का इधर प्लस हो जा रहा है, इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। और फिर ये क्या हो रहा है कि ये, और जो नंबर है वो पलट जा रहा है, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे भी वही हमें करना है, पहले योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या जो है वो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2/9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो होगा -2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का दूसरा सवाल यहाँ दिया है, 42 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है, उसी प्रकार 64 का किससे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो नंबर दिया है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे 42 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
21 आएगा, फिर 1 माइनस हो रहा है तो 20 आ रहा है। इसी तरह से आप 64 को भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। अब 32 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31। अब इसी तरह का यहाँ दूसरा सवाल दिया है, 64 का संबंध 100 से है और फिर 144 का किससे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो जो भी संख्या यानी 8 में जब प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10। फिर क्या है, इसका संबंध है जो जिसका वर्ग हुआ उसमें 2 प्लस करके अगली संख्या का उसी का वर्ग। तो इसी तरह से इसमें भी हमें करना है। तो ये 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। तो 12 में पहले क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 का वर्ग क्या होता है, 196। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 196। अब यहाँ दिया है, यहाँ 14 का जिस प्रकार से संबंध है 225 से, उसी तरह से 17 का किससे होगा। तो यहाँ प्लस तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 14 है और यहाँ 225 हो जा रहा है, तो बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसमें कुछ अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, वर्ग हो रहा होगा तभी बड़ा नंबर आएगा। लेकिन 14 का तो अभी हम लोग देखे 196 होता है वर्ग, तो ये तो वर्ग का भी नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये 15 का वर्ग होता है, तो 14 में पहले 1 प्लस कर देंगे तब ये हो जाएगा 15, 15 का वर्ग आ रहा है। इसी तरह से यहाँ 17 है तो 17 का क्या कर दें, पहले 17 में 1 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, 18। 17 में जब 1 प्लस कर देंगे तो आएगा 18, और 18 का वर्ग कितना होता है, 324। 18 का वर्ग होता है 324, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे ये आसान सा एकदम, इधर दिया 63 का जिस प्रकार से संबंध 36 से है, उसी तरह से यहाँ दोनों युग में यानी दोनों को हमको बताना है। तो यहाँ में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 63 और यहाँ क्या लिखा है, 36। तो यहाँ संख्या इधर पलट दे रहा है बस। तो उसी तरह से इन चारों में जिसमें हो रहा होगा इस तरह से वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिखा है 94 और यहाँ लिखा 49, तो यहाँ भी संख्या पलट रही है। अगर दूसरा भी देखना हो तो देख लीजिए आप लोग कि, लेकिन यहाँ देखिए 30, यहाँ 35 है, यहाँ 54, यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ 47 है, यहाँ 72, यहाँ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ 73 है, यहाँ 39, तो ये भी नहीं है, यहीं पे हो रहा है। क्या हो रहा है, 54 का 49, तो पलट जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का यहाँ एक दिया सवाल, यहाँ पे दिया 123 का जिस तरह से संबंध है 36 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे 123, 36 का तो वर्ग होगा नहीं, 36 का तो वर्ग बहुत बड़ा आएगा और कुछ प्लस माइनस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे अलग हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने जो संख्या है उसके अलग अलग नंबर को प्लस कर रहा था, 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो अब इन चारों ऑप्शन को भी हमें इसी तरह देखना है कि जिनका सबका प्लस करने के बाद जो संख्या अगली दिया अनुपात में वो वर्ग हो रही होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हमें एक तो पहले प्लस नहीं करना है, सीधा ही देखना है हमें। 13 किसी का वर्ग नहीं होता तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से 14 भी किसी का वर्ग नहीं होता, और 18 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं, अगर 9 आएगा तो आंसर यही होगा। तो 2 + 4 + 3, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल दिया है, जैसे दिया है 637 का संबंध जिस प्रकार से 9 से है उसी तरह से इन दोनों पे कौन सा होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं जो इन दोनों में हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये अनुपात ये दिया है, तो इन दोनों में जो संबंध है इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में यही संबंध आ रहा होगा जो यहाँ पर है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमें देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो अगर सभी संख्या को हम लोग प्लस करेंगे तो 9 आएगा नहीं, और ना तो ये 9 का वर्ग है, ना 9 का क्यूब है, ये भी नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है अलग थोड़ा सा, जो ये पहला यहाँ पे जो ये संख्या है 7 और ये दोनों जो संख्या हैं, जो लास्ट की संख्या है वो शुरू की दो जो भी संख्याएँ हैं शुरुआत में उनको डिवाइड करने पर यहाँ वाली संख्या में मिलेगी। तो अगर हम 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। तो जब 7 से 63 को भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9। अब यही संबंध हमें देखना है, कैसे देखना है कि लास्ट वाली जो संख्या है वो आगे की दोनों संख्याओं को पूरा पूरा अगर भाग दे, यानी कुछ भी
शेषफल नहीं बचेगा, वही इसका आंसर होगा। तो अगर 2 से हम लोग 57 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे 2 से अगर हम लोग 57 को 2 से जब भाग देंगे तो काटेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 2 और 16 हो जाएगा और एक शेषफल भी बच रहा है और आ क्या रहा है 28 जबकि यहाँ है 11। तो ये तो है नहीं। इसी तरह से दूसरा सवाल है, अब इसको करते हैं देखते हैं क्या 60 को जब 60 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो 4 एकम 4 यहाँ बचेगा 2 4 5 20 15 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे के दोनों भी करके दिखा देते हैं कि ये दोनों भी नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 22 और ये 3 से, तो 3 से जब 22 को भाग देंगे तो क्या आएगा 12? तो नहीं आएगा क्योंकि 7 बार जाएगा, हमें पता है 3 7 21 होता है, 7 बार जा रहा है, जहाँ 7 होना चाहिए था। और यहाँ पे शेषफल भी बच रहा है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। शेषफल का मतलब समझ, जिनको याद ना हो भाग उसको वो बता दें। 3 को जब हम लोग 3 से जब 22 को भाग देंगे तो 7 बार जाएगा तो 21 आएगा, लेकिन 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो ये शेषफल बच जा रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि 7 से 63 को जब भाग दे रहे थे, 7 से 63 को जब हम लोग भाग देंगे तो 9 बार जाएगा और 63 ही आएगा, तो कट जाएगा, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे भी वही संबंध हमें यहाँ मिला, इनमें यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 से 60 को भाग दिया। जब 60 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस करेंगे तो 4 में 6 गया 2 0, 4 5 20 तो यहाँ पे क्या आया 15 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो ये वाला संबंध यहाँ सही है, इसलिए ये आंसर होगा। समझ में आ गया, इस तरह से हमें करना होगा इसे। अब इसी तरह से ये दूसरा सवाल में है, तो जब इस तरह का सवाल रहेगा तो हमें जो संख्या दी हुई है उन्हीं में कुछ संबंध मिलेगा। हो सकता है लास्ट वाली संख्या जो है वो शुरू वालों को डिवाइड कर भाग दे रही हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसी तरह से, अब ये यहाँ पे ये देखने में लग रहा है जो लास्ट की संख्या है यहाँ पे जो आ रहा है वो उसी का वर्ग है ना। जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पे हमें ये भी दिख सकता है, हो सकता है कभी हो भी जाए, होता भी है सवाल में ऐसा कि लास्ट वाली जो संख्या है उसी से इसका संबंध हो। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा संबंध सब किसी में मिल रहा है क्या? 12 तो 2 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, ये भी हमें पता है। मतलब 2 का वर्ग तो 4 होता है, 12 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। उसी तरह से 23 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 13 भी किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं, 21 भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि लास्ट वाली जो संख्या है उसी का वर्ग दिया है अगले में वही संबंध। तो यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे, और इसका वर्ग भी नहीं हो रहा है और ना प्लस माइनस करने भी कुछ होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है और ये 5 है। तो यहाँ पे हो रहा है ये जो 2 नंबर्स हैं और ये जो 2 नंबर्स हैं इनको पहले प्लस करना है, पहले इसको आपस में प्लस करना है फिर दोनों को माइनस। जैसे कि 8 प्लस 4 करें हम लोग और फिर उसको माइनस कर दे 2 प्लस 5 में से, तो क्या आएगा 8 4 12 माइनस 5 7 5 2 7 7, तो 12 में से 7 जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा। ये हमें यहाँ पे संबंध मिला। अब वही हमें यहाँ पे भी करके देखना है जो यहाँ पे जिसमें ये संबंध मिलेगा कि पहले शुरू के 2 नंबर्स को पहले प्लस करना है और लास्ट वाले 2 नंबर को भी प्लस करना है, फिर उन्हीं दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो अगर ये जो ये अनुपात में जो संख्या दी है वो आ जाएगी तब वही हमारा आंसर सही होगा। तो देखते हैं कौन आता है यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 और 3 को हम लोग प्लस करेंगे, अगर 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 और माइनस 1 और 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, तो यही हमारा आंसर है 2 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं हो रहा है 8 और 7 8 7 होता है 15 माइनस 3 2 5, तो यहाँ क्या हो रहा है 15 में से 5 आएगा 10 ही आएगा जबकि यहाँ 12 दिया है, तो ये भी गलत ही है हमारा। इसी तरह से ये वाला देख लेते हैं 8 2 10 हो जाएगा माइनस 3 और 1 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा 7 तो बचेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह ये 5 7 7 5 12 माइनस 2 1 3, 12 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा, यहाँ क्या दिया है 5 दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, यही मिला हमें। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो 5 आए, इन दोनों को जोड़ा तो 3 आया,
और फिर 5 में से 3 माइनस कर दिया, 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से, अब ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। यहाँ पे इस तरह आपको ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दे देगा और फिर आपको इसमें कुछ में प्लस हो रहा होगा, किसी में माइनस, कहीं पे वर्ग कुछ हो रहा होगा, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो हो रहा है इन चारों में से भी किसी एक में वही चीज़ हो रही होगी, तो जो तब वही हमारा आंसर हो जाए। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 10 है, फिर 10 के बाद क्या आ गया, 12 आ गया, 10, 12, 15 है। तो 10 में हम लोग क्या कर दें कि 10 में अगर हम लोग 2 प्लस कर दें तो 12, 10 में 2 प्लस कर दें तो 12 हो जाएगा, फिर 12 में अगर 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, पहले जो संख्या थी उसमें 2 प्लस किया तो अगली मिली, दूसरी जो संख्या थी उसमें 3 प्लस किया तो उसकी अगली मिली। अब इन चारों में भी इसी तरह से हमें चेक करना है। तो क्या 21 में हम लोग क्या कर दें, 2 प्लस कर दें तो 23 आ जाएगा, तो 23 में अगर हम लोग 3 प्लस कर दें तो क्या 27 आएगा, नहीं, 23 में 3 प्लस होगा तो 26 आएगा, ये नहीं होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 23 में 2 प्लस करेंगे अगर हम लोग तो 32 तो आएगा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं 32 में हम लोग क्या कर दें, 3 प्लस, 32 में अगर 3 प्लस करते हैं 36 आएगा, नहीं आएगा, 35 आएगा। अब इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे भी 60 में अगर हम लोग 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 62 आएगा, 62 में अगर हम लोग 3 प्लस करें क्या आएगा, 65 आएगा, लेकिन यहाँ तो 66 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब यहाँ करते हैं 68 में 2 प्लस करेंगे हम लोग कितना आएगा, 70 आएगा, और 70 में हम लोग 3 प्लस कर दें कितना आएगा, 73 आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ जो हो रहा था वही वहाँ भी हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल दिया है इसी तरह का ही, फिर यहाँ भी हमें बताना है। तो यहाँ दिया है 5, 9, 16, तो क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि 5 में अगर हम लोग 4 पहले प्लस करके ही देख लेंगे, अगर हो रहा होगा तो ठीक है, तो 5 में अगर 4 प्लस कर देंगे तो 9 आएगा, उसी तरह से 9 में अगर हम लोग कितना प्लस कर दें, 7 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इन चारों में भी देखते हैं कहाँ कि पहले में 4 प्लस करने पे अगली संख्या मिले और दूसरे में 7 प्लस करने पे अगली संख्या जिसमें मिल रही होगी वही वाला हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 में अगर हम लोग 4 प्लस कर देंगे तो 8 तो आएगा, फिर 8 में हमें कितना प्लस करना है, 7, तो 8 में अगर हम लोग 7 प्लस करेंगे 16 नहीं आएगा, 15, 8, 7, 15 होता है, तो 15 आएगा, ये हमारा आंसर होगा नहीं। फिर अब इसी तरह यहाँ में, यहाँ तो हमें सीधा दिख रहा है 6 में अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तो 9 नहीं 10 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह से अब यहाँ पे देखते हैं 7 में अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, और 11 में हम लोग क्या कर दें, 7 प्लस कर दें तो कितना आएगा, 18 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से चेक करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, तो 6 का वर्ग 36, फिर इधर 63 है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली जो संख्या है अगली संख्या उसका वर्ग करने पे आ रही है, और उससे भी अगली संख्या क्या आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, हम दिखाते हैं, 6 जो है पहले प्लेस पे आ गया और 3 जो है दूसरे प्लेस पे आ गया, तो इसमें क्या मिला, पहली संख्या का वर्ग करने पे दूसरी संख्या हमें मिलेगी, और दूसरी संख्या को पलट देना है, और मतलब जो पहली इकाई की जगह पे है वो दहाई पे आ जाएगी, और जो दहाई की जगह पे है वो इकाई की जगह पे चली जाएगी। तो उसी तरह से हमें यहाँ भी देखना है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 और 8 आ रहा है ना, यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा, तो ये होगा नहीं। इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 होगा, और इन दोनों का अगर हम लोग पलट देते हैं तो 4 दहाई पे आ गया और 6 इकाई पे चला गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से ये दिया है, अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ दिया 1050 को, 1050 के बाद दूसरी संख्या क्या आ रही है, 210, और तीसरी संख्या क्या आ रही है, 42। तो 1050 को प्लस करने या माइनस करने पे, क्योंकि बड़ा नंबर है ये और ये छोटा है, तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा रहेगा तो हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, या तो वर्ग देखेंगे या भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ग करने पे भी तो ये नहीं आएगी, या इसका वर्ग ये भी नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा, भाग करके हम देख सकते हैं। तो किस संख्या से ये पूरी पूरी कट सकती है, 5 से और 2 से कट सकती है, तो 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो 2 × 5 = 10, तो ये आ नहीं रही है, तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 5 से काट के देख सकते हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 × 10, 5 × 5 और 5 × 0 = 0, ये मिला। अब इसको भी अगर हम लोग 5 से काटें तो क्या आएगा, 5 × 20, और यहाँ 1 बचेगा, 5 × 10,
42, तो हमें क्या मिला, पहले संख्या को 5 से भाग करने पे दूसरी मिली, दूसरी को 5 से भाग दिए तो तीसरी मिली। अब इन चारों में से भी हमें किसी सबको 5 से भाग करना है, तो जब भाग करने पे पहली को भाग करने पे दूसरी और दूसरी को भाग करने पे तीसरी जिसमें मिल रही होगी वही आंसर होगा। तो यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन में पहली संख्या को हम 5 से भाग देते हैं, तो पहली संख्या को जब 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 5 × 9 = 45 19 आ रहा है, लेकिन 19 को हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 3 नहीं आएगा। अब इसी तरह से दूसरी वाली करेंगे, तो इसको जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 5 × 2 = 10 12 आ रहा है, 12 को लेकिन 5 से भाग करेंगे तो 2 नहीं आएगा। अब इसी तरह से तीसरी को करेंगे, तो यहाँ जब इसको 5 से भाग करेंगे 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 दूसरी तो आ रही, तीसरी 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। अब चौथे में भी करते हैं, तो इसको जब 5 से हम लोग भाग करेंगे 5 × 5 और यहाँ बचेगा 3 और 2 बचेगा 5 × 25 यानी 15 आ रहा है, और 1500 जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो संख्या वाले सवाल हैं इसमें आपको लगाना पड़ेगा, जब आप सवाल लगा लेंगे कई बार तो खुद ही तुरंत देखने पे ही पता चल जाता है क्या हो रहा है, और इसमें बस प्लस माइनस मल्टी गुणा भाग और वर्ग घन यही सब होता है, तो आपको एक दो बार सवाल लगाएंगे तो अपने आप आने लगेगा बस।